कभी लहसुन द्वारा वशीकरण किया है? अगर नहीं किया है तो एक बार ये करके देखिएगा, और अगर बहुत सारे लोगों ने आपको उपाय और तरीके बताए हैं और आपको सफलता नहीं मिली है, तो किसी को वशीभूत करने के लिए बस 3 लहसुन और 1 कागज़, उसके ऊपर यंत्र बनाना है, और इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखिएगा मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि वशीभूत करने के लिए बहुत सारे उपाय और तरीके बताए गए हैं, लेकिन आज इस समय पर इस उपाय को करना, अगर कोई इंसान वशीकरण करना चाहता है, कोई स्त्री पुरुष वशीकरण करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, तो ये उपाय उनके लिए बहुत कारगर है। एक मर्तबे ट्राई ज़रूर करना। आप अपने जीवन में अगर आपको बहुत सारे संकट मिल रहे हैं, जिसको अपना बोलते हो वही पराया बन जाता है, जिसको प्यार करते हो वही छोड़ के चला जाता है, या आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती, और अधिकतर तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो बाहर भी कोई गर्लफ्रेंड बनाए हुए हैं, कोई दूसरी औरत को अपना दीवाना बनाए हुए हैं, लेकिन अपनी बीवी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल चाहते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए ये उपाय बहुत कारगर होगा। और ये उपाय अगर विवाह और शादी करना चाहते हैं किसी से, शादी और विवाह होने में रोड़े लग रहे हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, एक बार आप इसे ज़रूर करके देखिएगा, आपका जीवन खुशहाल ना हो जाए फिर आप बोलना। तो कागज़ की आवश्यकता है, 3 कली लहसुन की आवश्यकता है मेरे प्यारे भक्तों, आपको 3 कली लहसुन मार्केट से ले आना है। हालांकि लहसुन इस समय बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन आपको ये उपाय करना है तो बस 5 रुपया ही खर्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। तो एक कागज़ लेकर के आना है, कागज़ कोरा लेकर के आना है, और ये आपको यंत्र बनानी है। तो सबसे पहले यंत्र बनाने से पहले आपको क्या करना है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। माता रानी की कृपा रही तो ये उपाय करते ही, जैसे ही करोगे आपको लाभ मिल जाएगा, उसी समय मिल जाएगा जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। और एक और वीडियो भी हमारा अभी बहुत जल्दी राजमोहनी जड़ी के लिए मैं बना रहा हूँ। जिन लोगों को राजमोहनी जड़ी मार्केट से खरीद रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो हमारा आ रहा है, तो कृपया हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए और आपका नुकसान होने से बच जाए। बहुत पावरफुल जानकारी मैंने उसमें दिया है, 4 किताबों को ध्यान में रखते हुए मैंने उस जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। इसलिए हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब करिए, ताकि राजमोहनी जड़ी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए लहसुन द्वारा वशीकरण कैसे करते हैं। लहसुन एक वो चीज़ है जो बहुत सारी बीमारियों में, यानी अनेकों बीमारियों में बहुत लाभकारी होता है, और तंत्र मंत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और अगर आपके मामले कुछ इस तरह हैं कि आपका प्यार आपसे प्यार नहीं करता, आपका पति आपसे प्यार नहीं करता है, या आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती, तो ये उपाय एक बार ज़रूर करिएगा। आपके रसोई में ये 3 कली लहसुन के बड़े ही आराम से मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो आप मार्केट से भी ला सकते हो। कोरा लहसुन होना चाहिए, कोरा कागज़ होना चाहिए, लाल कलर का एक पेन होना चाहिए, नहीं तो ज़ाफरान से आप इस यंत्र को बनाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पूरब की दिशा में बैठ जाइए, कागज़ लीजिए, उसको आप अपनी नाक के बराबर नाप लीजिए, जितनी बड़ी आपकी नाक है उतनी ही बड़ा आपको एक बॉक्स बनाना है कागज़ के ऊपर, और ये आपको अंक बना लेने हैं जो हमने बनाए। इसको पहले ऊपर से शुरू करेंगे, बाद में नीचे के 2 अंक लगाएंगे। अब आपको क्या काम करना है, ये बॉक्स के चारों खाने पर उसका आप नाम लिख देंगे। चलिए ये यंत्र बन गया। अब आपको लहसुन के ऊपर क्या करना है, लहसुन की 3 कलियों पर आपको उसका और अपना नाम आगे पीछे लिख देना है, और ये 2 कली लहसुन की उठाना है, उसके घर पर, उसके दरवाजे पर ले जाकर फेंक देना है। ध्यान रखिएगा, आपका रिस्क रहेगा, आप उसके दरवाजे पर फेंकोगे तो थोड़ा ध्यान से फेंकना, नहीं तो इसको आप ज़मीन में उसके दरवाजे पर गाड़ के चले आइए। और ये जो यंत्र है, ये यंत्र के अंदर 1 कली लहसुन की रख के आप चौराहा दिखाते हुए कहीं पानी में ले जाकर डाल दीजिए। दोस्तों ये वशीकरण उसी समय होगा, और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।